दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कैसी जानकारी, जो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। NHM कार्यालय AP सेन रोड पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते कर्मचारी। संयुक्त NHM कर्मचारी संघ ने दिया धरना। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मंगलवार को मिशन निदेशक कार्यालय परिसर में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मिशन निदेशक ने संघ के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की और उनकी मांगों से जुड़ा ज्ञापन लिया। साथ ही आश्वस्त किया कि ज़्यादातर मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। संयुक्त NHM कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गुप्ता और प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि कर्मचारी मंगलवार को चार बाग AP सेन रोड स्थित NHM कार्यालय पर एकत्र हुए और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। दोपहर में मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवेल से प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। योगेश ने बताया कि मिशन निदेशक से मांगों से जुड़े कई बिंदुओं पर सहमति बनी हुई है। संविदा कार्मिकों को म्यूचुअल व रिक्त स्थानांतरण का लाभ देने के लिए नीति बनाई जाएगी। अगले 2 माह में पोर्टल भी खोला जाएगा। संयुक्त NHM कर्मचारी संघ ने जो धरना दिया उन मांगों पर सहमति बन चुकी है। मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवेल ने संघ के प्रतिनिधिमंडल से की वार्ता, मांगों को जल्द पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के आह्वान पर मंगलवार को मिशन निदेशक कार्यालय परिसर में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मिशन निदेशक ने संघ के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की, उनकी मांगों से जुड़ा ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया कि मांगों को जल्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे। संयुक्त NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गुप्ता और प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवेल से प्रतिनिधिमंडल के बातचीत के बाद कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। संविदा कर्मियों को म्यूचुअल व रिक्त स्थानांतरण का लाभ देने के लिए नीति बनाई जाएगी। अगले 2 माह में पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद विभाग रिक्त पदों पर स्थानांतरण करेगा। प्रदेश संयोजिता सुनैना अरोड़ा व महिला उपाध्यक्ष अर्चना सिंह ने बताया कि वेतन विसंगति दूर करने के लिए समिति का गठन कर उसके सुझावों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसका प्रस्ताव NHM कार्यालय से शासन को 2 दिनों में भेज दिया जाएगा। BCG टेक्नीशियन को वरीयता प्रदान करने के लिए महानिदेशक को पत्र भेजा जाएगा। शेष अन्य विज्ञप्ति पदों के लिए ऑटो टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, एक्सरे, OPTO, डेंटल हाइजीनिस्ट, NNM व अन्य जल्द कार्रवाई होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से संविदा कर्मियों को लेकर कई जगहों पर समय समय पर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। तो क्या संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा? क्या वेतन विसंगति दूर होगी? क्या संविदा कर्मियों को स्थानांतरण, जो भी अपने घर के पास वहां पर ट्रांसफर ले सकेगा? संविदा कर्मियों को लेकर पिंकी जोवेल जो मिशन निदेशक की निदेशिका है, इन्होंने क्या कहा, इस वीडियो में मैंने आपको बताया। निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और आप किस राज्य से हैं कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे। कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी आपके सवाल हो, उस चीज को आप कमेंट में जरूर पूछिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़कर बखूबी जवाब देता हूं। धन्यवाद दोस्तों। ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।